हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज मैं कटलेट बनाने वाली हूँ पोहे से। मैं बताऊंगी कि पोहे से किस तरह से कटलेट बनाएं कि एकदम टेस्टी बने। इसलिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी पोहा लिया है। इसे हम सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसे हम 4 से 5 पानी से जब धोएंगे अच्छे से तो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने 4 से 5 पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाए। जब से हमारा पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है तब तक हमने ये रस्क लिया है, इसे हमने तोड़ दिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो ये खड़े खड़े से हैं इसका पाउडर अच्छे से बना लेंगे हम। अच्छे से देखिए, इसका जो रस था हमने उसका पाउडर बना लिया है। अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। हमारा पोहा जो है अच्छे से अब वो फूल गया है, वो सॉफ्ट हो गया है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे अच्छे से थोड़ा मैश कर लेंगे। तो कटलेट बनाने के लिए हमने आलू को बॉईल करके पहले से यहाँ पर मैश करके रख लिया है। छिल के हमने आलू को अच्छे से पहले स्मैश कर लिया है। यहाँ पे देखिए, एक भी इसमें खड़े आलू नहीं है, छोटे में। अब हमने जो पोहा को अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम उसे डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने हरी मिर्च को कट कर लिया है छोटे छोटे साइज में, अब हम डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ टमाटर काटे हैं, अब हम वो डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने बारीकी प्याज को कट कर लिया है, हम वो डाल रहे हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डाल रहे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं, उसके बाद स्वादानुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, हाथों से ही करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है तो चम्मच से अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हम हाथ से ही मैश कर रहे हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम कोई भी आलू खड़े नहीं है इसमें, पोहे भी खड़े नहीं है, हमने एकदम अच्छे से देखिए मिक्स करके। अब इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, अब उसमें हम 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्लरी बनाएंगे क्योंकि जो कटलेट हम बना रहे हैं उसे हमें इसमें डीप करना है। और हम जैसे कटलेट बनता है उस तरह से हम बना लेंगे पहले सभी को। इस तरह बना सकते हैं हम, देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। ऐसे हम सभी को बना लेंगे। यहाँ पर हमने सभी कटलेट को बना लिया है। यहाँ पर हमने जो रस को ग्राइंड करके पाउडर बनाया था वो लिया है। यहाँ पे कॉर्न फ्लोर को हमने पानी डाल के डीप थोड़ा बना लिया स्लरी जैसे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक यहाँ एक कटलेट उठाएंगे इस तरह से, हम कॉर्न फ्लोर में पहले डीप करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमने रस्क का पाउडर बना लिया है इस तरह से इसमें डीप करेंगे। अगर आपके पास रस्क नहीं है तो आप ब्रेड के जो साइड साइड में ब्राउन वाला होता है ना, उसे कट करके भी आप पाउडर बना सकते हैं उसका भी। इस तरह से हम कढ़ाई में डालेंगे एक एक करके, फिर हम दूसरे को भी उठा के ऐसे डीप करेंगे, फिर इसमें भी डीप करेंगे। इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, ऐसे हम सभी को कर लेंगे साइड से। इस तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हम सभी कटलेट को देखिए निकाल लेंगे।
तो हमारा कटलेट देखिए बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए इसे टिफिन में या सफ़र में आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और खट्टी वाली चटनी हो या टमाटर सॉस है उससे अगर खाएंगे तो ये और अच्छी लगती है। तो हमारा कटलेट देखिए बनके बिल्कुल रेडी है, ये बड़े हों या बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए ये रेसिपी घर पे ट्राई ज़रूर करिए। ये जो मीठी वाली चटनी होती है टमाटर सॉस उससे खाइए, ये और अच्छे लगते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।